जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फिज़िक्स के बारे में फिज़िक्स का आपको डिटेल जनरल व्यू इंट्रोडक्शन दिया था बुक से हटकर। अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा फिज़िक्स के यानी कि ब्रांचेस के बारे में। बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है 9th फेडरल बोर्ड की फिज़िक्स का, फिज़िकल क्वान्टिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स 1.1। आज हम यानी कि ऑफिशियली तौर पर फिज़िक्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा देखो बेटा, पिछले टॉपिक्स में मैंने काफ़ी डिटेल में कि पिछले वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया था कि फिज़िक्स क्या होती है। तो जनरल व्यू के हिसाब से बुक में फिज़िक्स की क्या डेफिनेशन है, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है बेटा। देखो बेटा, जब से इंसान पैदा हुआ है ना, तो इसमें क्यूरियोसिटी बढ़ है बहुत ज़्यादा। ये सर्च करता है चीज़ों को, ये ढूंढता है, ये फाइंड करता है, इर्द गिर्द देखता है, ऑब्जर्व करता है, यानी कि ऑब्जर्विंग है। और आपको पता है कि जिस चीज़ की जो अब चीज़ ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है, वो हैवान होते हैं, यानी कि जानवर होते हैं। तो इंसान जब शुरू में आया, लाइफ वर्ल्ड में आया, तो उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू कर दी कि ये फायर क्या चीज़ है, आग क्या होती है, ये कोई ताकत है, कोई पार्टिकल है, या कोई मैटर है, ये है क्या चीज़। ये सेम वाटर क्या चीज़ है, सेम सन क्या चीज़ है, और भी बहुत सारे, मून क्या चीज़ है, क्यों दिन से रात और रात से दिन कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों आग में इतनी ज़्यादा ताकत, वो क्यों चीज़ों को जला देती है। जो क्यूरियोसिटी है इंसान में शुरू से है, और ये जो क्यूरियोसिटी है ये लीड करती है किस चीज़ पे, ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। और जो ह्यूमन की एक नेचर है ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व हम किन चीज़ों के थ्रू करते हैं, अपने फाइव सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, फाइव सेंसेस। अब बचपन छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं फाइव सेंसेस, सेंस ऑफ साइट, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। तो ये है फाइव सेंसेस के थ्रू हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों मैं आपको छोटी सी एक इसकी एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल सी, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ले लें, ग्रेविटी ले लें, एक जो नॉर्मल, मैं इसको फिजिक्स के रूप से वैसे ही है, कॉमन पर्सन के तौर पर सोचें तो जब भी कोई हम चीज़ छोड़ते हैं तो वो नीचे आती है, जैसे कि एक मिनट नीचे आ रही है। अब क्या हुआ, ये आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि यार मैं जब भी कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ नीचे आ रही है। फिर आपने और चीज़ों से देखा, हमेशा बुक छोड़ी, फिर आपने ग्लास छोड़ा, कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप किसी हाइट पर चले गए, डिफरेंट हाइट पर वैरी हाइट वैरी करने चले गए, वहाँ से आपने कुछ चीज़ें फेंकी, वो सब के सब नीचे आई। तो वो आपने किया एक्सपेरिमेंट, फिर आपने एक रिज़ल्ट डिडक्ट कर लिया कि भाई जब भी हम कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं, यानी कि कोई चीज़ छोड़ते हैं, वो नीचे ही आती है। आपने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये रिज़ल्ट डिडक्ट कर लिया। तो ऐसी चीज़ जिसमें ऑब्जर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फाइव सेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट, इसका कहते हैं वो जो स्टडी है, हम उसे कहते हैं साइंस। उसे क्या कहते हैं जी, साइंस कहते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं साइंस के बारे में। अच्छा, साइंस जो बेसिकली ये है, एक ना लैटिन वर्ड है बेटा, जिसका जनरल मीनिंग है नॉलेज, यानी कि किसी भी नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर, किसी भी चीज़ का नॉलेज। तो देखो, अब आपको एक नॉलेज मिल गया कि जब भी आप कोई चीज़ फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी। एक जनरल से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो साइंस, अब मैं थोड़ा सा उसको रेस कर लूँ, मैं टेस्ट कहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है, यहाँ से रेस कर देते हैं। तो साइंस क्या है बेसिकली, लैटिन वर्ड है, यानी कि लातीनी ज़ुबान से निकला हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। अब ये जो साइंस है ये फर्दर 18th सेंचुरी से पहले, देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, ह्यूमन का नॉलेज रिवॉल्व कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले हम सिर्फ फायर तक, यानी कि आप ओल्ड स्टोन एज पे देखें, हम सिर्फ फायर तक थे, हमें नहीं पता था इससे आगे क्या होता है, क्या फ़ायदा। फिर आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बेहतर चलते गए, करते करते रिवॉल्व, नॉलेज को बेहतर करते गए। तो 18th सेंचुरी से पहले क्या था, साइंस की कोई बेसिकली ब्रांच कोई नहीं थी, सिर्फ हम क्या पढ़ते थे उसे, नेचुरल फिलॉसफी,
yani ke I'm not so good with yani ke spelling. अच्छा साइंस सिर्फ नेचुरल फिलासफी थी, नेचर की स्टडी थी साइंस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है. लेकिन जैसे ही हम आफ्टर 18th सेंचुरी, इसके बाद क्या हुआ, हमने साइंस को जब जाना कि इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे जोन्स हैं, हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया. किन दो में डिवाइड कर दिया हमने जी, सॉरी. फिजिकल साइंसेस में कर दिए हमने डिवाइड, ठीक है. और इसमें हमने डिवाइड कर दिया जी, सॉरी. अच्छा नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड कर दिया जी हमने, नॉन लिविंग थिंग्स के साइंस के बारे में और लिविंग थिंग्स के साइंस के बारे में. साइंस के बारे में हमने डिवाइड कर दिया. अब नॉन लिविंग थिंग्स में, अब लिविंग थिंग्स हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बायो से रिलेटेड है, हम लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स में हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इसे, किसमें, फिजिक्स में, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जी, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, एस्ट्रोलॉजी में, मैनी मोर. तो इसी तरह क्योंकि हमें पढ़ने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, हम बेहतर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. अब ठीक, मैं इसी चीज़ को ज़्यादा करता हूँ फोकस फिजिक्स के बारे में. तो उन नेचुरल फिलॉसफी की जो नॉन लिविंग थिंग्स था फिजिकल साइंसेज में, उसकी एक ब्रांच है फिजिक्स, जो आपका सब्जेक्ट है 9th क्लास का, और ये हमने अभी पढ़ना है. फिजिक्स, अब फिजिक्स में हमने क्या किया कि हमने देखा कि एक हमने इसको डिवाइड कर लिया दो चीज़ों में, एक हमने कर लिया मैटर और एक इनर्जी में, और दोनों को जो रिवॉल्व करके हमने बना दिया उसे फिजिक्स बना दिया. देखिए फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर. मैटर की स्टडी करते हैं. मैटर क्या है, Anything that has mass and occupies space, कोई भी चीज़ जिसका वजन है और वो जगह घेरे, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. ये बोर्ड, इसका कोई ना कोई वजन है और इसने जगह घेरी हुई है. हम खुद, हम मैटर नहीं है, हम लिविंग थिंग है, लेकिन हमारी बॉडी कंपोज हुई हुई है मैटर से. कैल्शियम भी है इसमें, वाइटामिन भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें. तो कोई भी चीज़ जिसका वजन हो और वो जगह घेरे, वो मैटर. एनर्जी, मैंने अपने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, और इनका इंटरेक्शन, वो क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है. कि मैटर और एनर्जी आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन देखी होगी. मैं स्पेलिंग चलें, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये हमें क्या बताता है, मैटर और नाम क्या है, एनर्जी का इंटरेक्शन बताता है. कि हाँ, मैटर कैन बी, इफ द मैटर अटेन द स्पीड ऑफ द लाइट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो ये इक्वेशन है, आपने अक्सर काफ़ी चीज़ों पे देखा होगा, टी शर्ट्स के ऊपर आजकल आ रहा है लोगों में, आइंस्टाइन का, यानी कि बुक्स पे आ रहा है. और ये फिजिक्स की मेन इक्वेशन है जिसने फिजिक्स को एक और डायमेंशन में लेके चला, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स इसी इक्वेशन से शुरू हो जाती है. तो सिंपल आप देख लें कि किसी ने फिजिक्स, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड द एनर्जी. ठीक हो गया जी बच्चों. अब नेक्स्ट इस तरह से है कि ठीक, अब क्या था कि ये हमारा जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में, कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कौन कौन सी हैं, उनके बारे में, और कैसे ये फर्दर हमें ब्रांचेस बनाने की ज़रूरत पड़ी, इन ब्रांचेस में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, और इनका जनरल सा इंट्रोडक्शन जो बुक में दिया गया. देखिए फिजिक्स को, अगर मैं फिजिक्स के ब्रांचेस को मैंने अगर डिफाइन करना है, तो मैं सिंपल बहुत सारी बताने से पहले आपको एक
फिजिक्स बेसिकली बच्चों दो ही ब्रांचेस में डिवाइड है, एक है क्लासिकल, एक है मॉडर्न फिजिक्स। आपने बस क्लासिकल मॉडर्न फिजिकल फिजिक्स समझनी है, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि और जो उनकी फर्दर ब्रांचेज हैं वो किस किस जगह पर लाइक करती हैं, आप खुद आसान समझ आ जाएगी। देखें जी, आपने अक्सर सुना होगा क्लासिकल सॉन्ग वो जिसमें कहते हैं ऐसा कुछ करके, तो क्लासिकल मीन्स के पुराने ज़माने का, 19th century में तक जो फिज़िक्स थी वो हमारी कहलाती थी क्लासिकल फिज़िक्स। ये बेसिकली क्लासिकल फिज़िक्स और यानी कि मॉडर्न फिज़िक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि वो चीज़ें जो हम क्या कर सकते हैं, जिनका साइज़ एवरेज है, एवरेज साइज है, एवरेज स्पीड है, ठीक है, और जो हम ईजली तो मेजरेबल है, यानी कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं उसको मेजर करने के लिए, वो हम कहाँ पढ़ते हैं जी, क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है कि जब हम अटेन कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जब चीजें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं, वेरी 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 स्मॉल, तो उसकी स्टडी को हम बेसिकली कहां पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की एक जनरल सा मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक इनमें फर्क क्या है। देखिए 19वीं सदी में क्या हुआ था बेसिकली कि हमारे पास हर चीज़ ना एक ख़ास मिकदार में पड़ी होती थी, ऑब्जर्वेबल थी, उसको हम इजीली मेजर कर सकते थे, ठीक है। आपने कार का मास मेजर करना है, उसकी स्पीड करनी है, वो सारी चीज़ें यानी कि हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी, हम उनको इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे। 20th century में क्या हुआ, जब E=mc² आया, इसने डायमेंशन ही चेंज कर दी फिजिक्स की। रिलेटिविटी आस्था इंट्रोड्यूस आ गई, उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई, इन्होंने सबको यानी कि अप्रोच चेंज कर दी फिजिक्स की। अब मैं क्लासिकल फिजिक्स की आपको जनरल सी एग्जांपल दे देता हूँ, आपने पढ़ी होगी हीट आ गई, एक चीज़ कितनी गर्म है, ठंडी है, टेम्परेचर आ गया, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये हम क्लासिकल में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का मोशन हो गया, हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं जी क्लासिकल फिजिक्स में, एंड मैग्नेटिज्म, हीट, इसमें हम मैक्सवेल्स की यानी कि इक्वेशन पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स क्या कहते हैं, इसमें मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सब के सब क्लासिकल फिजिक्स हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं रिलेटिविटी, हम इसमें पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स, हम इसमें पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स हम इसमें पढ़ते हैं जी, यहाँ पे सॉरी गिवन है, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, ये हम पढ़ते हैं मॉडर्न के अंदर। मैं जनरल बता देता हूँ कि अब इसका क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर कहा जाते हैं वो कहा जाता है जी न्यूटन को। न्यूटन बेसिकली कहा जाता है, ये फादर हैं, आपने पढ़ा होगा न्यूटन, तुम न्यूटन बने हो आजकल, तू बड़ा न्यूटन बने फिर दें, तो वो यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के फोर फादर के फादर कह लें आप उन्हें। और मॉडर्न फिजिक्स के मेरे हिसाब से हैं जी आइंस्टाइन, जिन्होंने यानी कि इनकी E=mc² ने डायमेंशन चेंज कर दी। अब देखें इसमें हमने मैकेनिक्स, एक चीज़ कैसे मूव करती है, कैसे चलती है, स्पीड क्या है, नॉर्मल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एम्पेयर्स के एम्पेयर्स ला आ जाएंगे, फैराडेज ला आ जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे, साउंड, साउंड किस तरह ट्रैवल करता है, साउंड एनर्जी है या जो पार्टिकल है क्या चीज़ है, ये एनर्जी क्या होती है, लाइट इसमें आ जाएगी, लाइट क्या चीज़ है, और सेम अच्छा इसमें आ जाएंगे जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का क्यों डायमेंशन चेंज है कि एक तो हमें इसमें स्पीड ऑफ लाइट चाहिए होती है, दूसरा पार्टिकल्स बहुत 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 बड़े हों या बहुत 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 छोटे हों। बहुत छोटे की एग्जांपल है एटम, तो वो देखिए मैं लिखा हुआ एटॉमिक फिजिक्स, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स हम कहाँ पढ़ते हैं जी इसके अंदर। उसके बाद जी जब पार्टिकल बहुत बहुत ज़्यादा बड़े हों, जैसे कि मैं यूनिवर्स की बात कर गैलेक्सीज की बात करता हूँ मैं,
क्लस्टर्स की बात करता हूँ मैं, तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसमें रिलेटिविटी है, किस्सा ये आई, फर्स्ट हम चीज़ देखते हैं यानी कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर ने, छोटा सा मैं आपको व्यू दे दूँ किस्सा, यानी कि इन्होंने डायमेंशन चेंज किया फिजिक्स में। पहले कहा जाता था जी कि मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन ने क्या कह दिया आपको कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इफ इट अटेन द स्पीड ऑफ द लाइट। फिर 1905 में, मेरे खास से एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है शायद, अच्छा उसके बाद आइंस्टाइन की थ्योरी आई, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको खुद बहुत ज़्यादा यानी कि अपोज किया गया, कहा गया कि ये ट्रू हो ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले सोचा जाता था कि टाइम इज़ अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मोशन इज़ एन एब्सोल्यूट, यानी कि टाइम जो है यानी कि चल रहा है हमारे मुताबिक भी वही टाइम है, किसी और ऑब्जर्वर के मुताबिक भी वही टाइम है, मोशन हमारे मुताबिक भी वही मोशन है, किसी और ऑब्जर्वर के मुताबिक भी वही सेम मोशन है, एब्सोल्यूट कह दिया था कि रिमेन सेम। लेकिन रिलेटिविटी कहता है कि टाइम हमारे मुताबिक कुछ और है और किसी और ऑब्जर्वर के मुताबिक कुछ और है, सेम स्पीड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिलेटिविटी की, बड़ी अच्छी। आप ट्रेन में बैठे हैं और बाहर एक ऑब्जर्वर, एक बंदा खड़ा हुआ है, तो आप सॉरी ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ट्रेन ऐसे चल रही है, अब आपके मुताबिक योर बॉडी इज़ एट रेस्ट, या कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है एक रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर के मुताबिक क्या है, वो किसी मोशन में वो चल रही है ना, तो ये रिलेटिव है। आपके मुताबिक आपका मोबाइल रेस्ट पे पड़ा हुआ है, उसको छेड़ नहीं रहा, उस ऑब्जर्वर के मुताबिक जो प्लेटफॉर्म में खड़ा है उसके मुताबिक वो आपका मोबाइल भी साथ साथ चल रहा है, तो दिस इज रिलेटिविटी, सेम फॉर टाइम। फिर एक और चीज ने आके मॉडर्न फिजिक्स की एक थेसनेस कहने के ना एक बड़ा क्लासिफिकल फिजिक्स को थेसनेस कर दिया। एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ मैं, आइंस्टाइन का जो हीरो था, वो जिसको अपना हीरो समझता था, वो न्यूटन को ही समझता था, न्यूटन, आइज़ैक न्यूटन। तो इसकी थ्योरी को जो थोड़ा सा ख़राब किया है वो किसने किया, यानी कि निगलेक्ट कर दिया, उसने कह दिया है जी ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की आई थी, जिसने कहा था कि ग्रेविटी तो होती ही नहीं है, ठीक है, ये क्या है, डिस्टॉर्शन इन स्पेस है। तो ये मॉडर्न फेज का मैंने आपको कुछ बता दिया। फिर कहा जाता था कि जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की, मैं आपको बिग बैंग का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, बिग बैंग पहले पूरी यूनिवर्स एक पॉइंट पे थी, मास और एनर्जी जुड़ी हुई थी आपस में, फिर एकदम से धमाका और एक पूरी यूनिवर्स, एनर्जी भी बन गया वहां से, टाइम भी बन गया, चीज़ें भी बन गई, ये स्पेस भी बन गया। तो ये एक जनरल व्यू है कि आपने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो हम भी पढ़ने जा रहे हैं, आप मैं बताऊंगा आपको उस ब्रांच के बारे में, आपने खुद सेट करना है कि हाँ सर इज टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न फिजिक्स, सर इज टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल फिजिक्स। ये जनरल क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का एक आपको मैंने रिव्यू दिया छोटा सा। अच्छा जी, अच्छा जी, फर्स्ट आपकी जो आप ब्रांच दी हुई है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में यानी कि टॉपिक है, ऑफ फिजिक्स, उसमें दी हुई है मैकेनिक्स। अब जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको तो समझ आ गई होगी मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स बेटा न्यूटोनियन अप्रोच, न्यूटन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, एक बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन में है, वो मूव कर रही है, चल रही है कि रुकी हुई है, उसका मोशन कैसा है, कोई इसका यानी कि सर्कुलर मोशन है, उसका रैंडम मोशन है, जैसे कोई मक्खी या कोई फुटबॉल प्लेयर का मोशन होता है, किसी भी चीज़ का यानी कि कोई इरेगुलर मोशन सा, उसका वाइब्रेटरी मोशन है, उसका अपने ही गिर रोटेट करना, जैसे कि मैं इसको अपने गिर रोटेट कर, रोटेटरी मोशन जो मोशन है, ये हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, यानी कि मोशन, द स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी काज टाइप, ये हम पढ़ ऑफ मोशन, ये हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर, कि स्टडी टाइप काज ऑफ मोशन, मोशन का मतलब हरकत करना। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है जी हीट,
अब देखें खुद, अब आपने ऑब्जर्व करें कि मोशन की बात करें हम, स्टडी कॉज और टाइप ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट से लेस हो, यानी कि कम हो, अटेनेबल हो हमारे लिए, अप्रोच है ये, क्लासिकल अप्रोच है कि मॉडर्न अप्रोच है, आप खुद सोचें, ठीक है, फिर मैं आपको एट द एंड में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीट, हीट व्हाट इज हीट, हीट क्या है, ये एनर्जी है या कोई और चीज है? अच्छा जी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, सॉरी मैं नाउ, अच्छा जी, अब थर्मोडायनामिक्स क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, हीट किस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद ये इसके मेजरमेंट कैसे की जाती है, इसका ट्रांसफर क्या है, इसके ट्रांसफर के मैकेनिज्म क्या हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो अगर हम सिंपल बुक की डेफिनेशन पे भी गौर करें बच्चों, तो इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, उसकी नेचर क्या है, ठीक है, वो है क्या, एनर्जी है, क्या चीज है, उसके बाद एंड ट्रांसफर और उसके इफेक्ट्स क्या है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा तीसरा, साउंड, सेम वही, ये है क्या, वेदर साउंड क्या है, एनर्जी या कोई चीज, ये है क्या, इसकी ट्रांसफर के लिए कौन कौन से फिनोमेना इसमें लगते हैं, ठीक है, जैसे कि ये किन किन में ट्रांसफर होती है, यानी कि इनको मीडियम रिक्वायर है कि नहीं रिक्वायर है, मीडियम ट्रांसफर, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जो हम ऑडिबल है ऑडिबल नहीं है, उसका, उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसका पिच, लाउडनेस, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे जी लाइट, अच्छा जी 20th सेंचुरी से पहले हम क्या करते थे कि लाइट को एज अ पार्टिकल के तौर पे पढ़ते थे। अब क्या हुआ कि मॉडर्न अप्रोच ने चेंज कर दिया, उसने कहा लाइट इज अ ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव दैट कैरी सम एक एनर्जी पैकेट अपने साथ कैरी करता है। तो लाइट का बिहेवियर हम करेंगे, वो सब नेचर में आ जाता है, उसके बाद इसका क्या है, इसमें इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद ये उसका वो क्या बिहेवियर है, डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये किस तरह मूव करती है, ये असल में है क्या, मैटर है, एनर्जी है, क्या चीज़ है, ये वेव है, ड्यूल नेचर इसकी क्या चीज़ है। तो ये है कि अब बच्चों खुद सोचो कि मैकेनिक्स, क्या मैंने इसमें कोई स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया, हमने उतने टाइम, तो क्या मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ का बताया या बहुत छोटी छोटी चीज़ का, नहीं, तो बेटा ये क्लासिकल मैकेनिक्स में फॉल करती है, सॉरी क्लासिकल फिजिक्स में, मैं CP से लिख रहा हूँ, ठीक है। हीट सेम, हम बहुत बड़े पार्टिकल का जिक्र नहीं कर रहे, बहुत छोटे पार्टिकल का जिक्र नहीं कर रहे, मैं एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, और स्पीड का इतना जिक्र नहीं कर रहे, तो बेटा ये कहाँ पे फॉल करती है, क्लासिकल फिजिक्स में। मैकेनिक्स न्यूटन, हीट में हम मैक्सवेल के बारे में पढ़ते हैं, साउंड सेम, इसकी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट से स्पीड साउंड की कम होती है, इसके तीन चार फिनोमेना हैं, सेम इट फॉल इन क्लासिकल फिजिक्स और सेम फॉर लाइट। लाइट की दोनों अप्रोचेज हैं, लेकिन आप क्लासिकल फिजिक्स के अप्रोच हैं। नेक्स्ट बेटा आगे लिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्या करूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट क्या है, बिजली क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इन्वर्टर इंटरकन्वर्टेबल है कि नहीं है, इसकी टाइप्स क्या हैं, कन्वर्टेबल, सेम फॉर मैग्नेटिज्म, ये क्या चीज है, नेचर क्या है इसकी, दोनों का आपस में लिंक क्या है,
बिहेवियर क्या है इनका, चार्ज बॉडीज क्या होती हैं, अनचार्ज बॉडीज क्या होती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस इनको चार्ज बॉडीज को स्टोर करती हैं, ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में. नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक फिजिक्स. अच्छा इसका नाम आप खुद नाम से मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि रेस कर देता हूँ मैं. अच्छा ये भी आप देखें, ये भी क्लासिकल फिजिक्स में लाई करता है. नेक्स्ट आ गया जी एटॉमिक फिजिक्स. अब इसका नाम से आप देख लें आप, यानी कि हमने किस लेवल पर जाना है, एक एटम के लेवल पर जाना है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि एक डॉट में भी मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम है. यानी कि अब हम किस अप्रोच में जा रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच पर जा रहे हैं, एटम्स के बारे में स्टडी करना है, उसके बिहेवियर में, बिहेवियर के बारे में, कैसे एक का एटम दूसरे एटम से यानी कि लिंक करता है, बिहेवियर क्या है, मोशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन क्या है. एक मैं एटम बना रहा हूँ, सपोज ये हाइड्रोजन का जी, अच्छा जी एटॉमिक फिजिक्स इसी डेफिनेशन को करते हैं, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जी, सेम इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, किससे मिलके बना है, उसके फर्दर पार्टिकल्स क्या है, वो किस तरह रिवॉल्व कर रहा है, उसके बीच में क्या एक चीज़ है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये हम पढ़ते हैं उसके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. एटॉमिक फिजिक्स से ही बेटा एक फर्दर स्टडी से हमें पता चला है कि एक और चीज़ न्यूक्लियस, और ये सिक्स था न्यूक्लियर फिजिक्स. देखो बेटा एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एटम तक पढ़ते हैं कि एटम का बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है. अच्छा जी तो एटॉमिक फिजिक्स की फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि हमें भाई इसको फर्दर सब डिवाइडेड करना पड़ेगा, तो हम क्या लिख के आए, न्यूक्लियर फिजिक्स. सिंपल, अब हम कहाँ पे आ गए, न्यूक्लियस के अंदर आ गए हैं, हमने स्टडी कर रहे हैं प्रोटॉन के बारे में, स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में. सेम मैंने अभी स्ट्रक्चर ड्रा किया था, ये न्यूक्लियस बना लिया मैंने, इससे गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. तो इस चीज़ की जो स्टडी है, न्यूक्लियस की जो स्टडी है, वो हम किसे क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. बहुत सारी न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, फिर न्यूट्रॉन फर्दर किन पार्टिकल से बने हैं, क्योंकि 20th century से पहले सोचा था यहाँ तक स्टडी नहीं हुई थी. फर्दर पता चला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एक तो एटम इतना छोटा पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, उसके बाद आ गया चलो जी दे आर डिवाइडेड, दे आर मेड बाउट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं जी, वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. फिर हमें पता चला ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, फर्दर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बोसॉन फर्दर पढ़ेंगे. तो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे बड़ी एटॉमिक बॉम्ब, बहुत बड़ी इन्वेंशन इसके लिए, डिस्ट्रक्टिव पर्सन के लिए, पर्पस के लिए. उसके बाद ये है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसमें हम पढ़ेंगे अपने जो कराची में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है. इसी तरह इसी फिजिक्स के बेस पे, इसी की बदौलत, इसी की हेल्प से हम एनर्जी, न्यूक्लियर से किस हम एनर्जी ले सकते हैं. देखें ना फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिलीवर्स स्टडी विद द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. तो ये मैटर है, एक पार्टिकल है, ठीक है, थोड़ा बेसिक बहुत कम मैथ रखता है. तो इससे हम कैसे एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में. तो सेम आ गई, बहुत छोटी चीज़ आ गई है, ठीक है, स्पीड अननोन है, किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, जो भी आप फर्दर वक्ती तौर पे आपके लिए. तो किस में आ गई है, मॉडर्न अप्रोच आ गई फिजिक्स की. तो इसकी डेफिनेशन पर गौर करें, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर, सेम कैसे बिहेव करता है, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर, और इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उनका बिहेवियर क्या है. नेक्स्ट है जी प्लाज्मा फिजिक्स. हाँ जी देखें, अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि एटम सॉरी मैटर हैज ओनली 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेकिन मैटर की एक और स्टेट है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा. प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, जब भी कोई मैटर आयोनिक स्टेट में आ जाता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो वो स्टेट क्या बन जाती है, प्लाज्मा स्टेट बन जाती है. देखिए हैरानी की बात यह है कि ऑलमोस्ट 99% यूनिवर्स किस स्टेट में मौजूद है,
प्लाज्मा स्टेट में मौजूद है. इतना बड़ा यूनिवर्स एक यानी कि इस स्टेट में मौजूद है और हमें इस लेवल पे आके पता चलता है. और अर्थ का कोर भी है, जो कोर ऑफ द अर्थ है वो भी प्लाज्मा स्टेट में मौजूद है. तो क्योंकि सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ यानी कि हम पढ़ रहे हैं, तो इसको फर्दर डिटेल में पढ़ने के लिए हमने क्या किया, इस स्टेट को हमने सेपरेट कर दिया इसके बिहेवियर को, क्योंकि एक हेल्दी अप्रोच है उसकी पढ़ाई में, यानी कि मुश्किल अप्रोच थोड़ी इसकी है, तो इस वजह से हमने इसको ईजी रखने के लिए इसको हम सेपरेट कर दिया. यानी कि जब मैटर आयोनाइज हो जाता है तो वो जो स्टेट आ जाती है, वो जो जिस स्टेट में अगर मैटर आयोनिक स्टेट में है तो वो प्लाज्मा में. नेक्स्ट बच्चों आ जाती है यहाँ पे लिखी हुई जियोफिजिक्स. अच्छा, प्लाज्मा की डेफिनेशन पढ़ लें. इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द आयोनिक स्टेट. जैसे मैंने आपको अभी बताया, एटम जब आयोनिक स्टेट में आ जाता है, ऑफ मैटर द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, वही उन्होंने बताया कि ये मैटर की फोर्थ स्टेट है. लास्ट है जी, और ये कौन सी अप्रोच है जी, मॉडर्न अप्रोच जियोफिजिक्स. इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. सिंपल जी, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ की कंपोजिशन क्या, किस किस तरह मिलकर बनी है. तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, कि अर्थ का कोर क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में हम फर्दर स्टडी करते हैं, तो ये एक मिड अप्रोच आ जाती है दोनों में, आप कह सकते हैं इसे. तो बच्चों ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के बारे में. मैंने इसमें पहले सबसे पहले आपको बताया कि फिजिक्स की एक जनरल डेफिनेशन थी बुक्स रिलेटेड जो थी. फिर आपको बताया क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, उनमें छोटी छोटी मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई. फिर मैंने जो आपके बुक में जो जितनी भी थी ये फिजिक्स की ब्रांचेस लिखी थी उनको मैंने एक्सप्लेन किया जो जो यहाँ पे था, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल अप्रोच एंड द मॉडर्न अप्रोच. तो बच्चों ये हमारा था जी टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, और उसमें जो एक ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है. देखिए याद कर तो कोई भी है, दो दो लाइन की चीज़ें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, बेसिकली चीज़ क्या है उसके पीछे. सो होप सो.